Hello everyone, welcome back to channel again. So in this video we are going to discuss about lot of things with integration of automation in our Jarvis. So आज है हमारे Jarvis का एक another day जहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपने Jarvis को और भी ज़्यादा powerful. So आप लोगों को याद ही होगा कि हमने अपने Jarvis के folder को आज तक कहाँ पर progress कर लिया है और कहाँ तक हम उसे पहुँच चुके हैं. तो यहाँ पे VS Code का भी जो मैंने बैकग्राउंड डाल के रखा है ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं चाहूँगा इसे कि ये कुछ मेरे इस तरीके का दिखे जो कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाए. अगर आप भी ये चाहते हो कि ये मैंने कैसे किया है बैकग्राउंड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है. तो सबसे पहले आपके यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने ओपन ऐप करके एक पूरा कंप्लीट बना लिया था ओपन ब्रेन का, जहाँ पे हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या ऐप ओपन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. बट हियर इज़ अ वन इशू कि इंटीग्रेशन में हमने क्लोज फंक्शन भी यूज़ कर लिया है. क्लोज फंक्शन को हमें ऊपर डिफाइन करना है सबसे पहले, तो आप इसे ओपन डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से. इसके बाद अभी आपको यहाँ पर मेन ब्रेन बनाना है, ठीक है. यहां मैं लिखूंगा def auto underscore main underscore brain. ये करेगा क्या, इसके अंदर हम टेक्स्ट या क्वेरी जो भी आप लिखना चाहो वो पास कर सकते हो. ये करेगा क्या मैं वो बताता हूँ. ये करेगा क्या कि सारी क्वेरीज को आइडेंटिफाई करेगा. जैसे कि अगर मैं लिखता हूं कि if text dot start starts with, अगर जो मेरा टेक्स्ट है वो स्टार्ट होता है ओपन से, ठीक है, तो आप करो क्या, आप करोगे, आप परफॉर्म करोगे कौन सा ऑपरेशन, ओपन ब्रेन वाला. कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ओपन ब्रेन वाला. अभी यहां पे मैं लिख देता हूं ओपन ऐप, सॉरी ओपन ब्रेन लिखना है ना यहां पे. सो ओपन ब्रेन लिख दो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर टेक्स्ट को पास कर दो. अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने ओपन वर्ड तो है यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब ये सही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब यहाँ पे एलिफ कंडीशन डालना है आपको, एलिफ. अभी यहाँ पे क्या दूसरी चीज है, दूसरी चीज ये है कि एक काम हम कर सकते हैं, बट छोड़ो सारी केस सिमिलर नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे. अगर टेक्स्ट में क्लोज आ जाता है, ठीक है, इन टेक्स्ट, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप जो भी करंट विंडो है उसे क्लोज करना. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज फंक्शन को कॉल कर लेंगे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के. यहाँ पे दूसरा फंक्शन हो गया, ठीक है, ये ओपन भी कर सकता है क्लोज भी कर सकता है, ओके दैट इज फाइन. राइट नाउ अगर आपको याद हो तो हमने प्ले म्यूजिक स्पॉटिफाई प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब दोनों फंक्शन बनाए हैं. तो सबसे पहले आपको टॉप पे जाना है, टॉप पे जाने के बाद यहां पे लिखना है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब इंपोर्ट प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब. अब यहां पे अगर मैं लिख देता हूं कि अगर क्वेरी में आप यहां पे केस स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, केस होते हैं ना स्विच केसेस वगैरह वो सारी चीजें आप यहां पे यूज कर सकते हो. अभी यहां पे अगर मैं बोलूं कि एल्स इफ अगर प्ले स्पेस म्यूजिक इन टेक्स्ट, अगर इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर प्ले म्यूजिक आ जाए, या फिर के लिए हम और कीवर्ड का यूज करते हैं, या फिर प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब कुछ ऐसा आ जाए इन टेक्स्ट. सो इन दिस सिचुएशन हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर इन दिस सिचुएशन हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर इन दिस सिचुएशन हम पास करेंगे प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब, ठीक है. बट हम इसके अंदर टेक्स्ट नहीं पास करेंगे, हम इसके अंदर क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे स्पीक फंक्शन को कॉल करो, हम इसे डेफ में बनाते हैं, ठीक है. From text to speech import
फास्ट डी एफ अंडर स्कोर टी टी एस। अभी यहाँ पे मैं फास्ट डी एफ डॉट टी टी एस से स्पीक को कॉल करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा विच सॉन्ग डू यू वॉन्ट टू प्ले सर। ओके, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि यार एक कीवर्ड आ गया यहाँ पे कि विच सॉन्ग डू यू वॉन्ट टू प्ले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक इनपुट लेना होगा, इनपुट लेना होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एक्स इज इक्वल्स टू इनपुट, जो कि हमारा इनपुट होगा। उस इनपुट को लेने के बाद हम मैं उसी चीज़ को इसके अंदर पास कर दूंगा एक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हो गया प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब के लिए। अब यहाँ पे एलिफ का यूज़ करूँगा, प्ले सम म्यूजिक, ये रैंडम भी सेलेक्ट करेगा। कभी अगर मैं बोलता हूँ प्ले सम म्यूजिक इन टेक्स्ट, तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, ये स्पॉटिफाई में प्ले करेगा। और प्ले म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई इन टेक्स्ट, अगर ये भी टेक्स्ट के अंदर आता है, सो इन दिस सिचुएशन यू आस्क द सेम, हमें ये सेम चीज़ से पूछनी पड़ेगी भाई कौन सा सॉन्ग प्ले करना चाहते हो। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम इनपुट ले लेते हैं, ओके, और इसे भी हम प्ले यहाँ पे पास कर देंगे। बट उससे पहले हमें स्पॉटिफाई वाला कोई इंपोर्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम प्ले, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, प्ले म्यूजिक एस एफ है ना, प्ले म्यूजिक अंडरस्कोर पे है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया था। एक काम करता हूँ, इसे फुल लिख देता हूँ, इसे रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्ले, ऑल राइट, यहाँ पे प्ले एस टी, अभी क्या दिक्कत है, प्ले, लेट्स सी, प्ले म्यूजिक एस टी एफ इम्पोर्ट प्ले म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई, और इसको इसके अंदर मैं फिर से कॉल कर लूँगा प्ले म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई। चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो आपको वीडियो को रिवाइंड करना है, वापस से देखना है, बिना चीज़ें समझे सीखे हुए आप नहीं देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हो गया। अभी इसके अलावा कोई क्वेरी आती है तो क्या करूँ, अभी तक तो हमने इतना ही इंटीग्रेट किया है, तो यार पास कर दो, ठीक है, कोई रिप्लाई मत दो उसे, ओके। अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे ऑटोमेशन ब्रेन बनाया है, इसे तो हमने कॉल किया नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक लूप स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, void true, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे लिखूँगा x कुछ भी लिख दो, क्योंकि इसे हमें इरेज करना है लास्ट में। इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटो मेन ब्रेन के अंदर एक्स को पास कर देंगे एंड लेट्स रन इट। ओके, सो देखो यहाँ पे एक एरर आया कि आप टेक्स्ट टू स्पीच से फास्ट डी टी टी एस को नहीं कॉल कर पाओगे, ये एक एरर आ रहा है। ओके, सो एक काम करो, अभी इनकी जगह ना प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लो। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर यही सेम चीज़ मैं यहाँ से कट करके जारवेस के अंदर जाऊँ और पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉल करूँ फ्रॉम ऑटोमेशन डॉट ऑटोमेशन ब्रेन इम्पोर्ट ऑटो मेन ब्रेन, और अगर मैं अभी से यहाँ पे रन करूँ तो आई होप कि यहाँ पे रन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि ओपन ऐप से ओपन ऐप नहीं कॉल हो रहा, ओपन ऐप, अब ये चीज़ें एरर आनी स्टार्ट होंगी ही, क्योंकि ऑटोमेशन के अंदर ऑटोमेशन ब्रेन, और ऑटोमेशन ब्रेन के अंदर आपने ओपन ऐप को कॉल किया, वो कॉल नहीं किया जा सकता। तो ओपन ऐप को हमने इसके अंदर कॉल किया है, देखते हैं
ओपन ऐप, तो इसे हमें यहाँ पे ऑटोमेशन डॉट, देखो एरर आएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, यहाँ पे ऑटोमेशन डॉट, इनमें ऑटोमेशन डॉट लिखना है आपको, ठीक है, दो चीज़ों में, इनमें भी आप लिख दो ऑटोमेशन डॉट, यहाँ पे भी ऑटोमेशन डॉट, सॉरी ये डॉट ऑटोमेशन के अंदर ये नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेशन के अंदर है, ऑटोमेशन डॉट इतना लिख लो। इस बार स्टेटमेंट ये हम कौन से वाले में कर रहे हैं फाइल पे, यहाँ पे देख सकते हो हम फाइल पे कर रहे हैं ऑटोमेशन ब्रेन के अंदर, ये सारी चीज़ें किया है अपन। अब यहाँ पे एरर्स चले जाने चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आ रहा है कि भाई वेब डेटा से हम जो तुमने वेब डेटा कॉल किया है वो वेब डेटा भी गलत है, तो यहाँ पे हमने वेब डेटा कॉल किया नहीं किया, ओपन ऐप के अंदर नहीं किया, ठीक है, इसके अंदर नहीं किया, ये रहा आपका वेब डेटा, और वेब डेटा आपने वेब ओपन के अंदर किया, तो अभी आपने यहाँ पर लिखना ऑटोमेशन डॉट ओके वेब डेटा। अब इसे आप यहाँ पे वापस से रन कर देना है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बढ़िया चलेगा। यहाँ पे देखो चल चुका है कोड, है ना। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन यूट्यूब वेबसाइट, एंटर, एक सेकेंड का टाइम लगा, इसने यूट्यूब ओपन कर दिया। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा, लिखूंगा प्ले म्यूजिक, एंटर। Which song do you want to play, sir? I wanna play. कौन सा song? I wanna play. Cherry, Cherry Lady. Hello, Moto. देखो इसने exactly वही song play किया, Cherry, Cherry Lady. Okay. अब यहाँ पर अगर मैं कुछ और क्वेरी दूँ जैसे कि गुड जॉब, तो ये देखो पास कर देगा, उसने पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ऑटोमेशन के अंदर वाला ब्रेन, ठीक है। बट क्या हमारा ये फंक्शन स्पीक फंक्शन थोड़ा सा डिले है, अभी तो उतना ही लगा, बट हम इसको अपने स्पीक लिशन फंक्शन और स्पीक फंक्शन में से कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे चेंज करते रहेंगे, तो देर इज़ अ नो इशू। तो यहाँ पे हमने आज इंटीग्रेशन किया पूरे इसके अंदर, जितनी भी सारी चीज़ें थी हमने पूरा इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने अपने जारस के अंदर अपना पहला कोड लिखा, जिसमें हमने ऑटोमेशन ब्रेन को कॉल किया, ऑटोमेशन ब्रेन को कॉल किया। अब इसके बाद आपको अगले वीडियो में बहुत ही यूनिक सी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो यहाँ तक अगर आपने सारी चीज़ें सक्सेसफुली कर ली हैं तो अभी जाओ कमेंट में लिखो सारी चीज़ें कि आपने क्या क्या लिख लिया है, क्या क्या कर लिया है, और आपको किस वीडियो पे क्या हैशटैग डालो, हैशटैग 1, 2, 3, 4 इस वीडियो पे, ये डन डन डन, ठीक है, डन करके लिख दो। जिसमें नहीं हुआ है उस पर लिख दो कि दिस इज़ पेंडिंग, और पेंडिंग में क्या दिक्कत आ रही है वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उन सब सारी जगह पे आप बता सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज ऑफ वीडियोज बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो पर मिलते हैं कुछ यूनिकनेस के साथ। और रही बात आपके बैकग्राउंड की कि मैंने बैकग्राउंड कैसे लगाया, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने एक्सटेंशन में जाना है और बैकग्राउंड सर्च करना है, ये वाला आपको VS बैकग्राउंड मिलेगा, इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, बैकग्राउंड के ऑप्शन में विंडोज़ में क्लिक करना है, आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे ऐड फाइल करनी है, और ऐड फाइल में आपने कहीं पर भी जो भी आपने फाइल रखी हो उस फाइल को वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और वो आपका बैकग्राउंड लग जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ लर्न की होंगी, अगर लर्न की है तो जाके कमेंट में यस लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो पर। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आता